नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर हो चुका है। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों को शहीद किया था, जिसका बदला आज भारतीय सेना ने ले लिया है और कई दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। अखबार के पन्नों पर छपी ये खबर बहुत कुछ हैरान करने वाली है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने इस घटना को अंजाम दिया और उसमें इस बड़े नक्सली को ढेर कर दिया, क्योंकि 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली आप सोच सकते हैं कितना खूंखार और खतरनाक हो सकता है। बता दूं आपको, पिछले 2 दिनों से गुमला के जंगल में विस्फोट कर एक ग्रामीण और सुरक्षा बल के श्वान की जान लेने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव को पुलिस और सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया है। यानी कि भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता यहां पर मिलती नजर आ रही है। बता दूं आपको, जिस तरह से ये खबर सामने निकल कर आई है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि अखबार के पन्नों पर छपी ये खबर बहुत कुछ बयां कर रही है। क्योंकि जिस तरह से नक्सली आज मुस्तैद हो चुके हैं और वो भारतीय सेना को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन आज उनको महंगा पड़ गया भारतीय सेना से टक्कर लेना। बता दूं आपको, जिस तरह से गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित केरागनी जंगल में गुरुवार सुबह पुलिस ने नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली है। विद्वेश्वर उरांव नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी सदस्य था। वह माओवादियों के कोयल संघ जोन का सचिव भी था। बुद्धेश्वर पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी, आगजनी, पुलिस पर हमला व अन्य नक्सली घटनाओं से संबंधित 109 मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, बड़ी संख्या में कारतूस और ID डेटोनेटर, मोबाइल, नक्सली साहित्य इसमें समेत कई वस्तुओं को बरामद किया है। बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। हथियार भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बरामद कर लिया गया है। बता दूं आपको, छक के दंतेवाड़ा जिले के डोलकाल की पहाड़ियों में गुरुवार देर शाम दंतेवाड़ा में नकली डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 1 लाख का इनामी बिरजू केकम, मिलिशिया प्लाटून कमांडर जग्गू बेकम और अजय ओयासी शामिल है। यानी कि जिस तरह से दिन में दिहाड़ी और रात को हथियार उठा लेते हैं, ऐसे नक्सलियों को ढेर किए जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ हो या फिर कहीं और जहाँ जहाँ पर इनका वर्चस्व है वहाँ पर इन्होंने लूटपाट, डकैती इत्यादि घटनाओं को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा था किस तरह से छत्तीसगढ़ के जंगल में हमारे जवानों को घेर कर इन्हीं नक्सलियों ने मारा था, जिसमें हमारे 20-22 जवान शहीद हो गए थे। और उन्हीं जवानों का बदला लेने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मूड बना लिया है और अब ये चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह से ये बचने वाले नहीं हैं। अब ये भूल जाएं कि वो सरकारें नहीं हैं और ना ही सुरक्षा बल है, और कहीं ना कहीं अब कार्रवाई तेज़ होती है। और अगर ये सोचें, और देश भी अगर ये सोचे कि नक्सलियों ने हमला कर दिया तो भारतीय सेना शांत बैठी है, तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है। भारतीय सेना शांत नहीं बैठी है, बल्कि इनके ऊपर बड़ा एक्शन भी लेने जा रही है, क्योंकि 15 लाख का इनामी नक्सली ढेर होना बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश बहुत पहले से थी और इसको मारने के का विचार भी बना रहे थे, लेकिन बार बार ये बच जा रहा था। लेकिन इस बार जो मुठभेड़ हुई है, इसमें एक नहीं बल्कि 3 मारे गए हैं, जिसमें और भी 3 लाखों के इनामी नक्सली थे जिनको आज ढेर कर दिया है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता तक पहुँच जाती है। और आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं और उनके पास हथियार भी काफ़ी ज़्यादा बरामद हुए हैं। बता दूं आपको, छक के दंतेवाड़ा जिले के डोलकाल की पहाड़ियों में गुरुवार देर शाम दंतेवाड़ा से निकली डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बैरकगढ़
माफी चाहूंगा भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 1,00,000 का इनामी बिरजू केकम, मिलिशिया प्लाटून कमांडर जग्गू केकम और अजय ओयासी हैं। यानी कि इन पे जिस तरह से भारतीय जवानों ने नज़र बना लिया है, अब ये कहीं ना कहीं चुन चुन कर मारे जाएंगे। ये अब एक भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास 1 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, बड़ी संख्या में कारतूस, आईडी, डेटोनेटर, मोबाइल, नक्सली साहित्य समेत अन्य वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी। इसीलिए सबसे पहले भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की है। इसीलिए भारतीय सेना के नाम पर जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि हम राजनीति ना तो करते हैं और ना ही राजनीति को बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए आप लोग भारतीय सेना का मनोबल हमेशा बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि जब जब आप भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है और इन आतंकवादियों को मारने में वो जल्दी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ, देश इंतज़ार कर रहा है, जनता के हित में काम कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जब वो सोचते हैं तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम भी देते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कि जनता तक ज़रूर पहुँचती है। और आज जो हमारे जवानों ने कार्रवाई की है उस पर आपका क्या कहना है, वो भी आप एक बार ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आज की कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरह से इन आतंकवादियों के चीथड़े उड़े हैं, इन दुष्टों के, इन नक्सलियों को जो चीथड़े उड़े हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले थे। ख़ास तौर पर ये कमर टूट गई आतंकवाद की और नक्सलियों की, धीरे धीरे कमर टूट रही है और ये रोज़ाना मारे भी जा रहे हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और जितना हो सके आप में बताइए कि जिस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है उसको लेकर आपका क्या रवैया है, आप किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि अगर लगातार ऐसे ही ये दहशतगर्द मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है देश की जनता का। और जिस तरह से ये लूटपाट करते हैं, मासूमों के ऊपर अत्याचार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे डरते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी ये किसी के नहीं होते। ये किसी भी घटना को अंजाम देने से वक्त ना तो डरते हैं और ना ही कुछ करते हैं, बस सीधा ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और बताइए कि आज जो 1,50,000 का इनामी नक्सली ढेर हुआ है, इसके जाने के बाद कई जो नक्सली हैं वो सरेंडर हो चुके हैं, वो डर गए हैं, उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं भारतीय सेना उनको भी ना ठोंक दे। क्योंकि जब 1,50,000 का नक्सली ढेर हो सकता है तो फिर छोटे मोटे को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उनको तलाश कर रही हैं कि जैसे वो मिलते हैं वैसे उनको ठोंक दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।